اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون ايمان والو مت حرام ترىوا वो लजीज चीज़ें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं और हद से ना बढ़ो बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता हद से बढ़ने वालों को और खाओ अल्लाह के दिए हुए चीज़ों में से जो चीज़ हलाल पाकिज़ा हैं और डरते रहो अल्लाह ताला से जिस पर तुम ईमान रखते हो शोर माह की सतासी और अट्ठासी नंबर की दो आयत आपके सामने पढ़ी गई हैं अल्लाह ताला ने इन आयत में कुछ अहकाम और मसाइल को बयान किया है इस शुर शरीफ़ा के यानी शुर मदा के शुरू सूरत में भी कुछ अहकाम मसाइल बयान किए गए थे और शुर मदा की सतासी और अठासी नंबर की आयत में भी कुछ अहकाम व मसाइल बयान किए गए हैं सबसे पहले इन दोनों आयत का जो पस मंज़र है शान नज़ूल है उसको बयान करता हूँ हज़रतल्लाबिन रजी अल्लाह तुम्हारा फ़रमाते हैं के नबी करीम कुछ सहाबा कुछ सहाबा ने उन सहाबा में से हज़रत हज़रतमान बिन मजून रजील् ताल का भी नाम आता है और दूसरे सहाबा का भी नाम आता है उन लोगों ने अपने लिए कुछ हजार चीज़ों को हराम करार दे दिया मिसाल के तौर पर बाज ने कहा कि मैं गोश्त नहीं खाऊँगा बाज ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा बाद ने कहा कि मैं ज़िंदगी भर अब रोज़ा ही रखता रहूँगा बाद ने कहा कि अब मैं ज़मीन पर सोऊंगा बिस्तर पर नहीं सोऊंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इतना मिली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया और दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा आचर तदमत में कुछ साहबा कराम आए और उन लोगों ने आकर के अर्ज किया कि अम्मा हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का बहाल बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तसीब डाते तो किस तरीके से और कितनी इबादत करते हैं तो हज़रत ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल अल्लाम की इबादत का तो हाल तुम पूछो ही मत रात रात भर कयाम में सज्जे में रुकू में गुजारते हैं इतने लंबे लंबे रुकू और इतने लंबे लंबे सज्जे फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लासम के पैर मुबारक में फटन आ जाती है पैर मुबारक से खून निकलने लगता है पैर के अंदर सूजन आ जाती है ये इबादत का हाल है Osionfish. तो उन लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मासूम आनिल ख़ता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह नहीं करते इसके बावजूद इतनी इबादत करते हैं तो हम लोगों को तो और ज़्यादा इबादत करनी चाहिए तो उनमें से एक ने कहा कि मैं अब ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा उनमें से एक ने कहा कि मैं अब ज़िंदगी भर गोश्त नहीं खाऊँगा उनमें से एक ने कहा कि मैं ज़िंदगी भर रोज़ा ही रखता रहूँगा उनमें से एक ने कहा कि अब मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा बल्कि फ़र्क पर सोऊंगा और उनमें से एक ने कहा कि मैं अब रात को सोऊंगा अरे बल्कि इबादत के अंदर ही लगा रहूँगा इतनी देर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उन लोगों से कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे तो उन लोगों ने बता दिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो मासूम अनिल ख़ता हैं इसके बावजूद भी आपकी इबादतों का ये हाल है कि पैरों में फटन आ जाती है पैरों में सूजन आ जाती है और आप इतनी इबादत करते हैं तो हम लोगों को तो और ज़्यादा इबादत करनी चाहिए तो हम लोगों ने ये अहद किया है कि बाद हम में से शादी नहीं करेंगे बाद हम में से हमेशा रोज़ा रखेंगे बाद हम में से ज़िंदगी भर नहीं सोएँगे और गोश नहीं खाएंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी के साथ फरमाया देखो ये मेरा तरीक़ा नहीं है मेरा तरीक़ा ये है कि मैं खाता भी हूँ मैं कभी रोज़ा भी रखता हूँ मैं शादी ब्याह भी करता हूँ इसी तरीक़े से मैं सोता भी हूँ और दूसरी जो है आराम राहत की चीज़ें भी मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा तरीक़ा ये है कि तुम मेरे तरीके पर जब रहोगे तो तुम खाओ भी रोज़ा भी कभी रखो शादी भी करो बीवी बच्चों को हकूक़ भी अदा करो ये जो है मेरा तरीक़ा है इसके ख़िलाफ़ अगर तुम करोगे तो मेरे तरीके से तुम हट जाओगे इसके अलावा भी बात दूसरी रिवायात भी बयान की गई हैं एक रिवायत तो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तुम के घर एक मेहमान आए वो मेहमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक गए और अपने बेटे से अबू बकरी रजी अल्ला तन ने कह दिया कि इस मेहमान को खाना खिला देना लेकिन मेहमान ने जो है ये सोच कर कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन नहीं है मैं कैसा खाना खाऊँ तो उन्होंने खाना नहीं खाया अबू बकरी रजी अल्लाह तन को वापस आने में देर हो गई तो पूछा कि तुमने मेहमान को खाना खिला दिया था बेटे से तो बेटे ने कहा कि मैंने तो खाना खिलाना चा लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया अबू बकर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कसम खा दी कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो अबू बकर सिद्दी रजी अल्लाह तन का बेटा वो तो आड़ में चला गया पर्दे में चला गया और डरते डरते कहा कब्बा अब्बा हजूर मैंने तो बड़ी ही कोशिश की थी मेहमान खाना खाना है लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया आपको यकीन न होता आप मेहमान से दरियात कर लीजिए चुनाचे मेहमान ने कहा कि आपके बेटे ने तो बेहतर कोशिश की थी लेकिन मैंने ही खाना नहीं खाया आप जो है कसम मत खाइए तो अबू बकर सिद्दी रजी अल्लाह तुन अपनी कसम को तोड़ा और तोड़ करके कफ़ारा अदा किया इसी तरीके से अब्दुल्ल अबिन का भी वाक़ा है कि उनके घर भी मेहमान आए थे उन्होंने अपनी बीवी से कह दिया था कि खाना खिला देना और ये कह करकेब्दिल्लाब् रवा रजी अल्लाह तुन नबी करीम सल्लाम की खिदमत में चले गए उनको आने में देर हो गई रात हो गई जब वो आए तो पता चला कि मेहमान भूखे हैं तो उन्होंने कसम खाई कि खुदा के कसम मैं आज ये खाना नहीं खाऊँगा तो बीवी ने सुन करके कहा कि मैं भी ये खाना नहीं खाऊंगी तो मेहमान ने कहा जब आप भी नहीं खाएंगे आप भी नहीं खाएंगे तो मैं भी खुदा की कसम ये खाना नहीं खाऊंगा तो हजरत अब एहसास हुआ कि ये तो मैं अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा मेहमान भी फूका रह जाएगा तो उन्होंने कसम तोड़ दिया और कसम का बाद में कसम का कफवारा अदा किया और उन्होंने खाना खाया तो बारे कब ये तमाम वाकियात और इसके अलावा एक और रिवायत है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने अपनी बीवी की रजामंदी के लिए शहद को हराम करार दिया था शहद को हराम करार दिया था तो ताला ने कुरान की आयत उतारी और कहा कि देखे नबी वसल्लम आप किसी हलाल चीज़ को हराम करार ना दें अल्लाह ताला ने शहद को हलाल करार दिया है और आप उसको हराम करार दे रहे हैं ये ठीक बात नहीं है आप जो है अपनी बीबी को खुशनुदी के लिए एक हलाल चीज़ को हराम करार दे रहे हैं तो ये तमाम रिवायात इस आ, इन आयत के पस पस मंज़र में नाज़िल हुई हैं अब मैं इन आयतों का खुलासा बयान करता हूँ किसी हलाल चीज़ को हराम करार देने के तीन दर्जे हैं एक ये कि तकादन उसको हराम समझ लिया जाए दूसरे ये कि कौलन किसी चीज़ को अपने लिए हराम करे मसलन कसम खा दे के ठंडा पानी ना पीऊँगा या फना कसम का हलाल खाना ना खाऊंगा या फना जायज़ काम ना करूंगा तीसरे ये कितकादा व कौलन तो कुछ ना हो महज अमलन हमेशा के लिए किसी चीज़ को छोड़ दे छोड़ देने का इरादा करे पहली सूरत में अगर उस चीज़ का हलाल होना कत्ती, कतई दर से साबित हो तो उसका हराम समझने वाला कानून इलाही की सरी मुखालफत की वजह से काफिर हो जाएगा और दूसरी सूरत में अगर इतफ़ाका कसम खाकर इसको अपने ऊपर हराम करार दे, दे तो कसम हो जाएगी कसम के अल्फाज बहुत सारे हैं जो कुतुब फ़ा में मुफसर मशकूर है उनमें एक ये मिसाल ये है कि सलाहतन कहे के मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि फना चीज़ न खाऊँगा या फना काम न करूँगा या ये कहे कि मैं फना चीज़ या फना काम को अपने ऊपर हराम करता हूँ इसका हुक्म यह है कि बिना जरूरत ऐसी कसम खाना गुनाह है उस पर लाजिम है कि उस कसम को तोड़ दे और कफार कसम अदा करें तीसरी <क्याँग> कस... किस तीसरी कसम जिसमें एक तीसरी कसम जिसमें एतक़ाद और क़ौर से किसी हलार को हराम न किया हो बल्कि अमल में ऐसा मामला करे जैसा कि हराम के साथ किया जाता है कि दायमी तौर पर उसके छोड़ने का इल्तज़ाम करे इसका हुक्म यह है कि अगर हलार को छोड़ना सवाब समझता है तो ये बिदात और रहमानियत है जिसका गुनाह अजीम होना कुरान सुन्नत में मनसूस है इसके ख़िलाफ़ करना वाजिब और अच्छी पाबंदी पर कायम रहना गुनाह है हाँ अगर ऐसी पाबंदी बनीत ना हो बल्कि किसी दूसरी वजह से हो मसल मतलब किसी जिस्मानी या रूहानी बीमारी के सब से किसी ख़ास चीज़ को दायमी तौर पर छोड़ दे तो इसमें कोई गुना नहीं जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि आज कल के ज़माने में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिन बीमारियों में बहुत सारी चीज़ों के इस्तेमाल करने से डॉक्टर मना करता है मिसाल के तौर पर आज के ज़माने की बीमारी शुगर है शुगर की बीमारी में मीठी चीज़ खाने से डॉक्टर मना करता है इसी तरीके से चावल वगैरह खाने से मना करता है और ऐसी चीज़ जो ज़मीन से पैदा होने वाली होती है उन चीज़ों का इस्तेमाल करना इस्तेमाल करने से डॉक्टर और तभी मना करते हैं तो ऐसी चीज़ अगर कोई जिससे कि बीमारी के बढ़ने का देशा हो या जिसमानी जो है जिसम को नुकसान पहुँचने का ख़तरा लाक हो तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल न करना हलाल है लेकिन उसको हराम ना समझे बल्कि उसको जिसमानी सेहत के एतबार से उसको इस्तेमाल न करे तो ये इस्तेमाल न करना गुना नहीं है इसी तरीके से रूहानी इलाज है बहुत सारे पहले और खूफिया कराम मशाइन निज़ाम इलाज के तौर पर रूहानी इलाज के तौर पर दिल को कलब को मुजल् और मसफ़ा करने के लिए दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को बिठाने के लिए बहुत सारी महबूब और मरगूब चीज़ों के इस्तेमाल से भी मना करते थे ताकि जो है लज्जात और ख्वाहत को छोड़ने के बाद उसको जो है अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने में सहूलत हो खानक निज़ाम में ये काम होता था बहुत सारे और कलम जंगलों में जाकर के ज़िंदगी गुजारते थे धूप में बारिश में आंधी में तूफान में ताकि मुजाहिदा हो जाए और मुजाहिदा करने का मकसद ये है कि इबादत पर उसको जिसम को माइल करना और इबादत के लिए जिसम को क्या करना खारिज करना तो अगर कोई रूहानी तबीय यानी सूफिया कलम मशाइ निज़ाम कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने से उसको रोक दे जिससे कि उसके रूहानी फायदे में मदद मिले तो उसको मन इस्तेमाल न करना भी क्या है बेहतर है ताकि उसको जो है जिस्म को और नफ्स को इबादत इलाही के लिए आमादा किया जाए और गलत चीज़ों के छोड़ने में उसको मदद मिले तो जिस्मानी एतबार से रूहानी एतबार से कोई अगर ऐसा काम करे जिससे उसको इन चीज़ों के छोड़ इन चीज़ों को छोड़ने की नौबत आए कि यहाँ हराम नहीं होगा यहाँ तो हराम और गलत उसको कहा गया है कि एक हलाल चीज को हराम समझना या किसी गलत हलाल चीज को इस्तेमाल न करने की कसम खा देना तो इसके बारे में कहा कि अगर कोई हलाल चीज नशे कती से साबित है और उसने उसको हराम करार दिया तो वो दायरे इस्लाम से निकल जाएगा इसी तरीके से किसी ने कसम खाई कि मैं फना चीज कसम से नहीं खाऊंगा तो उसको कसम तोड़ करके उसका कफारा अदा करना जरूरी है इसी तरीके से रूहानी और जिसमानी जिस इलाज के लिए अगर बहुत सारी हलाल चीज़ों को कोई अगर इस्तेमाल नहीं करता है तो उसके लिए भी जायज़ है आखिर मतलब तै फरमाते हैं वह तुम भी मनून यानी जो रिस्क हलाल पाक अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसको खाओ और अल्लाह ताला से जिस पर तुम्हारा ईमान है डरते रहो इस आयत करीमा में वाज फ़रमा दिया कि हलाल पाक चीज़ों का स्वबाव सब, समझ कर छोड़ देना तकवा नहीं बल्कि तकवा इसमें है कि उनको अल्लाह ताला नमत समझ समझकर इस्तेमाल करे और शुक्र अदा करे हाँ किसी जिस्मानी या रूहानी गरज की वजह से बतौर लाद किसी चीज़ को छोड़ दे तो इसमें दाखिल नहीं है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सुनने ज़्यादा मन करने की तौफीक अता फ़रमाए सुबह